अपनी 16 साल की सौतेली बहन से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को बदरिया थाने की पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी भाई ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। उसे बदनाम करने की धमकी देकर लगातार रेप कर रहे थे। इस दौरान उसे अश्लील वीडियो भी दिखाते थे। आरोपियों के माँ बाप ने पीड़िता को अवैध तरीके से 2013 में यतीम खाना से गोद लिया था। वह गोदनामा संबंधी कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। पीड़िता बांदा की रहने वाली है। 2013 में उसकी माँ का निधन हो गया था। उसके पिता ने तीन बेटियों को ननिहाल में छोड़ दिया था। ननिहाल वालों ने तीनों बेटियों को बांदा के यतीम खाने में डाल दिया। यतीम खाना की संरक्षिका ने 2013 में अपने नज़दीकी कानपुर नाला रोड निवासी कारोबारी महबूब अली और उनकी पत्नी शाहजहाँ बेगम को अवैध तरीके से बच्ची को गोद दे दिया। उस दौरान नाबालिग की उम्र 5 साल थी। रेप कांड की बात घर में खुलने पर 2019 में वापस नाबालिग को यतीम खाना में डाल दिया। इतना ही नहीं, यतीम खाना में गलत जानकारी दी कि उसके पिता जिंदा नहीं है, इसके चलते उसे यतीम खाना में आसानी से रख लिया गया था। ACP सीसामऊ निशंक शर्मा ने बताया, कारोबारी महबूब अली खां गोदनामा से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। नियम के अनुसार जिस घर में दो बेटे हैं वहाँ बेटी गोद देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ACP ने आगे बताया, गोद ली हुई बच्ची के साथ कारोबारी के दोनों बेटे सऊद और दाऊद ने साल 2017 से 2018 के बीच रेप किया। लगातार सालों उसका यौन उत्पीड़न करते रहे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने बच्ची के कई सारे अश्लील वीडियो बना लिए। उसे धमकाया था कि अगर अपना मुंह खोला तो घर में वीडियो दिखा दी, इसके बाद तुम्हें घर से भगा दिया जाएगा, क्योंकि तुम सौतेली हो और हम सगे हैं, तुम्हारी बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार देर रात बांदा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। पीड़िता का बुधवार को मेडिकल कराने के साथ ही बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति भी बच्ची के बयान दर्ज करके मामले की सच्चाई की जांच अपने स्तर से करेगी। इतने गंभीर मामले में कर्नलगंज थाने की पुलिस ने हर कदम पर लापरवाही सामने आई है। नस काटने के बाद भी बच्ची के बयान दर्ज करने पहुंचे कर्नलगंज थाना प्रभारी बलराम मिश्रा ने आरोपी के परिवार से साठ गांठ करके मामले को ही दबा दिया। जिला बाल कल्याण समिति को भी अपने मामले की जानकारी नहीं दी। अफसरों तक बात पहुंचने पर मामले में कार्रवाई की गई। रिपोर्ट IPR।